हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ, जो आपकी एलडीसी की भर्ती, अपन देखो एलडीसी की दो भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। एक तो वो एलडीसी जो अभी 11,000 पदों पर आने वाली थी, और इसमें अपन को ये कंफ्यूजन था कि वो सीईटी के जरिए होगी या सीधी एलडीसी आएगी, तो वो तो अभी आने ही वाली है। उससे पहले आपको पता हो तो 2021 के अंदर में जो एलडीसी की भर्ती निकली थी, जिसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए थी, 1760 पदों पे एक एलडीसी की भर्ती निकली थी। आपको पता हो तो इसका पेपर वगैरह हो गया था और रिजल्ट भी शायद नंबर वगैरह आ गए थे, लेकिन बाद में जो पेपर आउट हो गया था और हाईकोर्ट ने उस पेपर को पेपर आउट मानते हुए उस भर्ती को रद्द कर दिया था और कहा था कि हम नए सिरे से वापस क्या करेंगे, भर्ती निकालेंगे। तो वो हाईकोर्ट वाली एलडीसी की भर्ती है वो आ चुकी है। हाईकोर्ट में भी दो है, ध्यान रखना। एक तो जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है, चपरासी की भर्ती निकली थी ड्राइवर वाली, वो नहीं, वो तो अभी रुकी हुई है। ये जो 1760 पदों पे निकली थी रद्द हुई थी, ये आ चुकी है। तो इस क्लास के अंदर, इस वीडियो में अपन ये पूरी की पूरी इस भर्ती के बारे में बात करेंगे कि इस भर्ती में कितने पद है, क्या योग्यता चाहिए, एज कौन सी डेट से काउंट होगी, उसके साथ साथ क्या फॉरम की डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कितने नंबर लाने होंगे, पूरी पूरी अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। वेतन वगैरह कितना मिलता है, एग्जाम कब तक हो सकता है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो टोटल इसमें 2755 पदों पर ये भर्ती निकली है। मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो देखिएगा, ये नोटिफिकेशन आपने इस प्रकार का देख लिया होगा जो क्या है, आज सुबह ही आया है, जिसमें बताया गया राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ही निकाला गया, 5 अगस्त 2022 को निकाला गया, ठीक है। जिसमें देखिएगा, ये अलग अलग कनिष्ठ सहायक और लिपिट ग्रेड सेकंड की भर्ती निकली। एक तो सेकंड ग्रेड एलडीसी की भर्ती निकली हुई है, कौन सी, एक तो आपका जो सेकंड ग्रेड एलडीसी होता है ना, सेकंड ग्रेड एलडीसी की भर्ती है, और दूसरी एक कनिष्ठ सहायक की, जो हाईकोर्ट के अंदर बैठेगा, उस जो हाईकोर्ट में बैठेगा वो कनिष्ठ सहायक होंगे, और जो सेकंड ग्रेड एलडीसी होंगे ये जिला स्तर पर, क्या जिला स्तर पर जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर बैठेंगे। तो दोनों की भर्तियां निकली हुई है, यहाँ पे सभी की पोस्टें दी गई है। टोटल जो पोस्टें हैं, जो क्या मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया कि शायद 2955 के आधार पर काउंटिंग की गई है, तो इतनी पोस्टें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 2755 पोस्टें हैं, पिछली बार 1760 थी, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज सभी की पोस्टें वगैरह दी गई। अब अपन एक एक करके बात करते हैं कि इसके बारे में क्या कैसे क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिएगा, ये आपकी पूरी की पूरी भर्ती आ गई थी, इसमें इसने स्पष्ट बताया गया है कि ये जो भर्तियां हैं चार, इसमें एक तो कनिष्ठ सहायक की है, एक न्यायिक अकादमी लिपिट ग्रेड सेकंड की है, एक प्राधिकरण कनिष्ठ सहायक की है। इनका एग्जाम सभी का एक ही होगा, ये इतने पोस्ट देख के आपको वो नहीं घबराना कि क्या करें कैसे करें। इसकी जो बात की जाए तो प्रवेक्षा काल होगा, उसके अंदर इसका वेतन है वो 20,800 रुपये से लेके कितना, 20,800 रुपये से लेके क्या है 65,900 रुपये के बीच का आपका, इसके बीच का इसका क्या रहने वाला है, वेतन रहने वाला है इनकी। ये पे मैट्रिक्स L5 की भर्ती है, जो अपने आप के अंदर बहुत ही अच्छी भर्ती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आगे की, तो देखिएगा इसमें बात की जाए आरक्षण वगैरह, तो वो तो जो जिस प्रकार हमेशा होता है उसी प्रकार रहेगा। और उसके बाद थोड़ी सी आगे बात की जाए तो देखिएगा, 12 जिला है जो, मतलब ये नॉन टीएसपी टीएसपी ये सब तो आपको पता होगा, उनके अनुसार तो क्या है आपको जो आरक्षण वगैरह है जो हमेशा दूसरी भर्तियों में मिलता है वही इसके अंदर मिलने वाला है, स्पोर्ट कोटा वगैरह जो दिव्यांगजन है वो। अब बात करते हैं क्या है इसके आवेदन की वगैरह की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे कुछ लिखा गया है, हाँ, क्रिमिनल प्रमाण होने का, जो देखिएगा अब यहाँ पे जो आपके जाति प्रमाण पत्र वगैरह है उसके अंदर एक डेट दी गई है कि 29/22/2021 और 22/9/2022 की समावधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका क्या है, आपका 29 क्या है 22/9/2022 से पहले पहले बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप बनाते हैं और पेश करते हैं तो वो फिर मान्य नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जाति प्रमाण पत्रों को लेके बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है। उसके बाद ये आपके पूरे के पूरे यहाँ पे, उसके बाद आगे बात करते हैं इसके फॉर्म वगैरह सारी बात यहाँ पे, मैं एक एक पीडीएफ पूरी पढ़ दे चल रहा हूँ, जो भी बात आपको बतानी हो मैं बता सकूँ। योग्यता की बात करते हैं, इस भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो देखिएगा योग्यता के अंदर साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है कि मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इलेवेंट एग्जामिनेशन फॉर एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पर्पस एंड, देखिएगा आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, क्या मांगी गई है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मतलब आपकी कॉलेज की फाइनल ईयर होनी चाहिए, फाइनल ईयर यहाँ तो आप कर चुके हैं या फाइनल ईयर में जो पढ़ रहा है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता, उसके साथ साथ एक आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर मतलब RSCRT क्या है, आपकी कॉलेज पास आउट होनी चाहिए, बेसिक भाषा में समझाऊं तो कॉलेज पास आउट प्लस RSCRT का क्या, RSCRT के अलावा कोई दूसरा कोर्स भी कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कम से कम RSCRT तो आपने की हुई होनी चाहिए, ये आपकी क्या है योग्यता रहेगी। जो कॉलेज के फाइनल ईयर में है यहाँ कॉलेज कर रहे हैं या RSCRT की हुई है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, RSCRT नहीं भी की हुई है अभी RSCRT का फॉर्म भर दो, लर्नर नंबर से आप इस एग्जाम के अंदर फॉर्म भर पाओगे, तो ये आपकी यहाँ पे योग्यता हो गई। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा, कितनी उम्र वाले इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिएगा आयु सीमा की बात की जाए साथियों तो यहाँ पे देखिएगा
आयु सीमा आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष, मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, हाईएस्ट आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद जो आपके आरक्षण की सूट है वो अलग है, ठीक है। अब 18 वर्ष कब तक होनी चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैं तो आज 18 वर्ष का हूं नहीं, इसमें फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, तो साथियों 1 जनवरी 2023 तक, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है 1 जनवरी 2023 तक, कब तक, 1 जनवरी 2023 तक, 1 जनवरी 2023 तक अगर आपकी एज 18 वर्ष होती है, आप काउंट कर लो आपकी जो भी जन्म डेट है उस जन्म डेट से काउंट कर लो, 1 जनवरी 2023 तक अगर आपकी एज 18 वर्ष होती है तो आप उसमें फॉर्म भर सकेंगे। और जिनकी अपर एज है 40 वर्ष, उनको बता दूं आपकी 1 जनवरी 2023 तक 40 वर्ष उम्र हो गई है, ऐसा कुछ नहीं, आपकी उम्र 1 जनवरी 2022 तक मानी जा रही है, 1 जनवरी 2022 तक अगर आप 40 वर्ष के नहीं हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष वाले तो 1 जनवरी 2023 तक 18 के होने चाहिए, और 40 वाले 1 जनवरी 2022 से पहले पहले 40 के, क्योंकि भर्ती आपको पता हो तो पिछले साल की है, ठीक है, तो उनको लिए छूट दी गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके फॉर्म वगैरह कब क्या स्टार्ट होंगे, तो देखिएगा, हाँ के बाद बात करते हैं इसके फॉर्म वगैरह की, तो देखिएगा यहाँ पे आपको देखिए फॉर्म की फीस कितनी है, पहले अपन वो देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा फॉर्म की फीस जो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग है क्रिमिलियर श्रेणी का, उनके लिए क्या है, 500 रुपये फीस है जनरल वालों के लिए वगैरह, और जो ओबीसी वगैरह नॉन क्रिमिलियर उनके लिए 400 रुपये फीस है, और एसटीएससी वालों के लिए 350 रुपये आपकी फॉर्म की क्या रखी गई है, फीस रखी गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और आगे की, तो देखिएगा ये आपका सिलेबस आ गया है, अब उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं और अपन कब तक इसका फॉर्म है वो क्या है भर सकते हैं। तो देखिएगा इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो साथियों 22 अगस्त 2022 को दोपहर 1 बजे से 22/9/2022 तक, देखिएगा फॉर्म की स्टार्ट डेट ध्यान रखना, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, 22 अगस्त से 22 सितंबर, 22 अगस्त से 22 सितंबर 2022 तक साथियों इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ये डॉट ध्यान कर लेना। आपको अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही इस डेट के बीच में 22 अगस्त है तो 23-24 अगस्त को फॉर्म भर लेना। 22 अगस्त से क्या है, 22 सितंबर 2022 तक इसके क्या भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद बात की जाए तो देखिएगा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क दिनांक 22 अगस्त से क्या है, 22 सितंबर तक रात्रि 1100 पर होगा, ठीक है। और परीक्षा के दिनांक है वो क्या है आपको वेबसाइट पर बता दी जाएगी, तो एग्जाम अभी तक इसका बताया नहीं गया है कि कब होगा, लेकिन भाई साहब देखिएगा सितंबर के अंदर आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी, तो देखिएगा इसका जो एग्जाम होने की जो संभावना कम से कम 4-5 महीने तो मिलेंगे, तो वैसे ये भर्ती रद्द हो चुकी है, इतना टाइम दे या ना दे ये भी जरूर नहीं है, क्योंकि पहले से इसकी तैयारी है तो हो चुकी है, अभी तो दोबारा फॉर्म ही निकले, तो जहां तक देखिए परफेक्ट नहीं है साथियों का अनुमान है, अभी तो भर्ती आई है, जैसे मुझे पता चला सीधा पीडीएफ लेके यहाँ पे आया हूँ, लेकिन एक फिर भी यहाँ खड़ा खड़ा अगर आइडिया लगाऊं तो लगभग जनवरी से फरवरी के बीच में इसका आपको एग्जाम हो सकता है, ये आपको यहाँ पे टारगेट मान के चलना है, ठीक है। तो फॉर्म की डेट भी आपके साथ हो गई है। उसके बाद और भी अगर कुछ इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो देखिएगा भाई साहब ये इसका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के अंदर क्या है सर, टावर ज्यादा है तो टावरों वाली, तो भाई जो भी 2 संतान वाली बात होती है वो हर भर्ती में होती है, वो इसके अंदर भी है। और देखिएगा यहाँ पे बात की जाए, देखिएगा इसका सिलेबस क्या है, तो आपको 3 पार्ट के अंदर सिलेबस होगा, और इसके अंदर क्या है, एक तो आपकी हिंदी आएगी, क्या आएगी, हिंदी, हिंदी के बाद दूसरी इंग्लिश। अब सर इंग्लिश से डर रहे हैं, देखिएगा डरना नहीं है, हाईकोर्ट की इंग्लिश से इतनी हार्ड नहीं आती, ठीक है। और तीसरा आपका जनरल नॉलेज आएगा, जीके आएगा, क्या आ जाएगा, जीके आ जाएगा, 100-100 नंबर के तीनों होंगे और टोटल 300 नंबर के होंगे, 100 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है, 100 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, 100 नंबर की जीके आने वाली, कुल 300 नंबर का क्या होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, पेपर के आधार पर आपको जो टाइपिंग है उस टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन कम से कम पेपर में भी पास होने के लिए कम से कम 300 में से एसटीएससी वालों को 120 नंबर लाने अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे, और ओबीसी और अदर जो भी जनरल वगैरह उनको 135 नंबर लाने अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल माने जाओगे, इतने परसेंट नंबर लाना तो क्या है अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा इच पार्ट बी सेल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिएगा 50% आपके हिंदी के आएंगे, हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों, हिंदी के 50% आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, हिंदी हो गई टोटल 100 नंबर की, इंग्लिश के कितने आएंगे 50% इंग्लिश के आएंगे 100 नंबर के, और 50% ही आपके कितने के आएंगे, जीके के आएंगे, ठीक है। तो कुल पर्सन तो आएंगे 150, कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, और 300 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा, 300 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी दुविधा ये रहेगी कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, क्योंकि इंग्लिश है, तुक्के मारे हैं और क्या पता है लेने के देने पड़ जाए, तो देखिएगा नेगेटिव मार्किंग की भी अभी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अपन बात कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा टेस्ट विल बी कंडक्ट बाय ओमआर सीट, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा आपका, जो दूसरे एग्जाम गोले भरने होते हैं वही एग्जाम होने वाला है, और देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग
फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। इसमें साथियों नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ध्यान रखना जो नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको बता दूं इसका जो पिछला पेपर रद्द हुआ है ना उसी प्रकार का पेपर बना दोस्तों, तो कम से कम आपको क्या है 230 से 240 नंबर लाने पड़ेंगे 300 में से, तभी आगे आप टाइपिंग में भी तो नंबर लाने हैं ना, दोनों में मिलकर क्या सिलेक्ट होने की चांस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा आपको। भाई सिलेबस इतना तो पता चल गया कि हिंदी इंग्लिश और जीके, हिंदी के 50%, इंग्लिश के 50%, जीके के 50%। हिंदी में क्या पूछा जाएगा साथियों, तो देखिएगा हिंदी के अंदर एक तो आपको देखिएगा 13 टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, बेसिक हिंदी है, संधि, संधि के भेद और छंधि विशेष, यानी कि एक तो संधि पूछा जाएगा, समास और समासिक, यानी कि एक संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, एक शब्द, मुहावरे और लोकत्या, यहाँ तक कि इसके अंदर आपकी जो वोकैबुलरी है ना प्रशासनिक शब्दावली वो भी नहीं दे रखी है। बेसिक हिंदी है, संधि पढ़ लो, समास पढ़ लो, उपसर्ग पढ़ लो, प्रत्यय पढ़ लो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द है, और ये सारी की सारी हिंदी की क्लास है वो हमारे चैनल पर लग दी है पूरी की पूरी, तो हिंदी पूरी की पूरी आप यहाँ पे जो सूरज सर आपको पढ़ा रहे हैं उससे अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया, तो भाई देखिएगा हाँ इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, तो देखिएगा इंग्लिश के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश के अंदर भी अभी बात कर लेते हैं, एक तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे पूछा जाएगा, टेंस पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, और ट्रांसपोजिशन ऑफ सेंटेंस है जो सेंटेंस को बदलने वाला पूछा जाएगा, भाई एसिटिव तो नेगेटिव में बदलना, इंट्रोगेटिव को एलिमेंट्री में बदलना, वो वाले पूछे जाएंगे। तो ये तीन है, टेंस है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो सभी कर लेंगे, ठीक है, बाकी वाले आपको तैयार करने की आवश्यकता है। उसके बाद आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग आप ए एन द एक्स उनका प्रयोग करते हैं ना वो पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपको क्या है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में करेक्शन करना पूछा जाएगा, डिटरमाइनर पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, उसके बाद क्या एडजेक्टिव वगैरह ये हो गए, और पर्यायवाची विलोम शब्द इसके भी एंटोनिम सिनोनिम, और वन वर्ड पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स संप्रेक्स उपसर्ग पढ़ते मान लो आप हिंदी वाले, ठीक है, और फिर कंप्यूटर वर्ड पूछा जाएगा, आइडियम फारसेज पूछा जाएगा, ये तो आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश भी टॉपिक हालांकि ज्यादा दे रखे 12 टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, देखिएगा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रखा है आपका, तो अच्छी इंग्लिश आएगी लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं आएगी। भाई एक तो इंग्लिश वो होती जो एसएससी के एग्जाम में आती नहीं, ऐसी इंग्लिश नहीं आएगी, अपने राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम दे लो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम देख लो, उसमें जो इंग्लिश आई है ना उससे इसमें सरल ही आएगी, ठीक है, तो मतलब इतनी लेवल की इंग्लिश नहीं होगी, अच्छे से महीना डेढ़ महीने भी इंग्लिश पे देते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छे से क्या कवर हो जाएगी, बस रुचि होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन बी की, तो मतलब तीसरा जीके, तो जीके में देखो एक तो करंट अफेयर आएगा, अब करंट अफेयर किसका आ सकता है, राजस्थान या भारत का, तो वो तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है, तो अपन को दोनों का, राजस्थान प्लस इंडिया दोनों का क्या है कवर करते हुए चलना पड़ेगा। उसके बाद एक ज्योग्राफी एंड नेचर रिचर्स, ज्योग्राफी दे रखी, ज्योग्राफी एंड नेचर रिचर्स, अब ये भाई साहब देखिएगा राजस्थान या भारत कुछ नहीं दे रखा, तो अपन को भारत का भी ज्योग्राफी पढ़नी होगी और राजस्थान की ज्योग्राफी, भाई एक स्टेप जोन में चलने के लिए, क्योंकि इसने लिख तो नहीं रखा है ना कि भारत की ज्योग्राफी या राजस्थान की ज्योग्राफी, इसने दूसरी बात जनरल नॉलेज लिख चुका, बेसिक जानकारी है, जनरल नॉलेज लिख रखा जीके वाला, ठीक है, तो ज्योग्राफी एंड नेचर रिसर्च ये दोनों का अपन को पढ़ते हुए चलना होगा। और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये भाई अपना राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी तो ऊपर वाले में आ गई, तो राजस्थान जीके तो पूरा है, ठीक है, हिस्ट्री कल्चर और क्या ज्योग्राफी है, पॉलिटिक है, इसमें कुछ दे नहीं रखा है, तो हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी राजस्थान की, और इंडिया की आपको क्या है, इंडिया का भूगोल और करंट अफेयर, ये चीजें आपको जीके में पढ़नी है, 50% आपको क्या है इस जीके से मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे और क्या क्या रहेगा, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारा साथियों कवर कर देंगे एक ही, ताकि आपका कोई क्या बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, ठीक है। हाँ देखिएगा दो प्रकार के पेपर होंगे, ये तो आपको पता है, पहला पेपर हो गया टाइप रिटन टेस्ट, ठीक है, राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट सेल्फ कंडक्शन टू पेपर्स, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा आपका क्या, फिर इसमें आप जैसे पास हो गए तो भी मेरिट बनेगी, जितने भी ये लेते हैं 2755 के आसपास पोस्ट, जितने गुना पास करते हैं टाइपिंग के लिए, वहाँ पे आपकी टाइपिंग दो भाषा के अंदर होगी, ध्यान रखना, हिंदी का भी आपको टाइपिंग और इंग्लिश का टाइपिंग, ठीक है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग 5-5 मिनट के अंदर आपको क्या 25 नंबर की टाइपिंग होगी, इसमें क्या है आपको पासिंग मार्क्स ये दे रखा है ये लाने होंगे, वहां भी पास हो गए यहाँ भी पास हो गए, उसके बाद दोनों अंकों को जोड़ के लास्ट आपकी क्या बनेगी मेरिट बनेगी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। पर वर्ड कितनी दे रखी है तो वो तो यहाँ पे अभी दे ये पढ़ा, यहाँ पे कुर्ती देव में हिंदी आनी चाहिए, या फिर सेलिब्रेसी के अंदर सेलिब्री में क्या है अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम स्पीड है वो 8000 की है होनी चाहिए आपकी एक ओवर के अंदर, 8000 वर्ड आप एक घंटे में लिख सको इतनी आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या, देखिए ऑनलाइन आवेदन की बात तो अपन ने पहले से ही कर ली है,
जो इसके ऑनलाइन आवेदन है, तो ऑनलाइन आवेदन क्या है, कब भरे जाएंगे, तो देखिएगा अपन ने 28 अगस्त से क्या है सॉरी 22 अगस्त से 22 सितंबर तक बात कर ली अपन ने ऑनलाइन आवेदन की। और उसके बाद क्या है, हाँ जिस श्रेणी के अंदर आप आवेदन हो उसी श्रेणी में भरना, ये तो ठीक है। परीक्षा का महावस्थान यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जिले के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाने की संभावना है तथा आवश्यकता पड़ने पर उपखंड व तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संभावना तो है भाई हम जिले स्तर पर रहेंगे, जैसे जालौर में सेंटर आएंगे, बीकानेर ऐसे मतलब जिले स्तर पर जिले वाली सिटी में सेंटर आएंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो तहसील स्तर पर और उपखंड स्तर पर भी क्या है इसके सेंटर दिए जा सकते हैं। और परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना अलग रूप से प्रचारित की जाएगी, ये आपको बाद में क्या है बता दिया जाएगा, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पास अधिकार है। देखिए ये भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट की, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई है। अब इसको एग्जाम है वो हो सकता है हाईकोर्ट ही कराए या दूसरी नोडल एजेंसी नियुक्त करे, लेकिन जो सर्वाधिकार है वो राजस्थान हाईकोर्ट के पास है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो देखिएगा अब आगे तो यहाँ पे भर्ती के बारे में आपको और कुछ तो देखिए सारी बातें तो अपनी हो गई है सिलेबस वगैरह की, तो और तो कुछ यहाँ पे अपन को देखने का है नहीं। ये अपनी पोस्ट है अलग अलग, ये तो उच्च न्यायालय की है और ये आपकी कौन सी दूसरी वाली पोस्टें हो जाएगी जो यहाँ पे पोस्टें आपको दे रखी, ठीक है। पोस्टें तो यहाँ पे देखिए अपने अपने कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं, लेकिन अपने को पोस्टें नहीं देखनी है क्योंकि एक ही एग्जाम होगा और उस एग्जाम के माध्यम से फिर अलग अलग पोस्टों में आपको वृत्ति मिल जाएगी। इनके पहले साथियों आपको एक क्या है लिखित एग्जाम देना पड़ेगा 300 नंबर का, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा और इन दोनों के आधार पर आपकी जो मेरिट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या हो जाते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं। और हाईकोर्ट के अंदर क्या है, यहाँ तो आपको राजस्थान उच्च न्यायालय वहाँ पे कनिष्ठ के रूप में रखा जाएगा, यहाँ जिला हाईकोर्ट होते हैं जो जिला कोर्ट होते हैं उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी सेकेंड ग्रेड एलडीसी के रूप में। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है दोस्तों, टाइम क्या है अभी अपने पास है अच्छा, ये भर्ती हालांकि पिछली बार रद्द हो चुकी है तो पिछली बार वाले भी इस बार शामिल होंगे, ठीक है अपने आप में। तो एक प्रकार से कहूँ तो अच्छे से तैयारी करनी, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे होगी, यूट्यूब पर भी हमारे द्वारा तैयारी कराई जाती है जिसमें हिंदी आपकी पूरी की पूरी कवर हो रही है, जीके हमारे द्वारा पूरा का पूरा आपको कवर कराया जा रहा है, और जो इंडिया का भूगोल रहा है तो इंडिया के भूगोल की हम जल्दी क्लास लगा देंगे, तो दो तो कवर हो रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश रह रही है तो उसके लिए भी हम कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी एलडीसी की मान लो आप पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे हो ही रही है, ठीक है, क्लासें लगी रही है। फिर भी आप अगर कोर्स भी लेना चाहते हैं कि सर हम एलडीसी का क्या है एलडीसी का कोर्स लेना चाहते हैं, तो कोर्स के लिए साथियों आपको तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा, तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करना है, तैयारी कर लो ऐप पे आपको क्या है इसका कोर्स भी मिल जाएगा एलडीसी का, ठीक है। तो ये अपनी जानकारी थी, और भी अगर आपका एलडीसी से संबंधित कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज नोटिफिकेशन में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।